कीबोर्ड। इस चैप्टर में हम लोग कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, क्या होता है कीबोर्ड और इसके डिफरेंट बटन्स के बारे में। अबाउट द चैप्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड एंड देयर यूजेस। ए कीबोर्ड इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये कीबोर्ड का यूज किया जाता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, जिसे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं अपने कंप्यूटर को। लेट अस लर्न टू यूज द कीबोर्ड। अब हम लोग कंप्यूटर कीबोर्ड का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। दिस इज द कीबोर्ड। इन अ कीबोर्ड हैज 104 कीज, नंबर कीज, अल्फाबेट कीज, स्पेस बार की एंड इंटर की। इस सब के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। ए कीबोर्ड हैज मेनी कीज। ए कीबोर्ड हैज मेनी कीज। द कीज आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। हमारे कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं, जो बटन्स होते हैं उसी को कीज कहते हैं, और बहुत सारे बटन को कीज कहते हैं। और ये जो की है जनरली तीन टाइप के होते हैं, अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, स्पेशल कीज। नेक्स्ट, अल्फाबेट कीज। कीज दैट हैव लेटर्स ऑन देम आर कॉल्ड अल्फाबेट कीज। ऐसे कीज जिसमें लेटर्स होते हैं ए से लेकर के जेड तक, इसको क्या कहते हैं, अल्फाबेट कीज। देयर आर 26 अल्फाबेट कीज। 26 अल्फाबेट कीज होते हैं। दे आर यूज टू टाइप लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस। और इसका यूज होता है लेटर टाइप करने में, वर्ड्स टाइप करने में और सेंटेंस टाइप करने में। इन सारे लेटर कीज की मदद से आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं लेटर, वर्ड्स और सेंटेंस। नेक्स्ट कीज इज नंबर कीज। कीज दैट हैव नंबर्स From 0 to 9 on them are called number keys. ऐसे कीज जिसमें नंबर होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, इसको नंबर कीज कहते हैं। They are used to type numbers. और इसका यूज किया जाता है नंबर को टाइप करने के लिए। Here given a picture. नंबर कीज की मदद से आप कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। 0 से 9 तक नंबर है हमारे पास, इसके कॉम्बिनेशन से किसी भी नंबर को, कॉम्बिनेशन को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेस बार कीज। स्पेस बार कीज, द कलर्ड की इन द स्पेस बार कीज। द कलर्ड कीज इज द स्पेस बार की। इट इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। जो आपके गिवेन पिक्चर में सब जो कलर पिक्चर है, जो कलर कीज है मेनली आपके कीबोर्ड में, और जो सबसे बड़ा की होता है, बटन होता है हमारे कीबोर्ड में, उसका नाम स्पेस बार। और इसका यूज किया जाता है
दो वर्ड के बीच में, दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस देने के लिए, जगह छोड़ने के लिए। हेयर गिवेन अ सेंटेंस टाइप्ड हेयर, दिस इज माई कंप्यूटर, विदाउट यूजिंग ए स्पेस बार, एंड आफ्टर दैट दिस इज माई कंप्यूटर टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेस कीज। हेयर गिवेन ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ए स्पेस बार बटन्स। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्पेस बार से हम लोग क्या करते हैं। दो वर्ड के बीच में, दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है। जैसा कि सामने आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, दिस इज माई कंप्यूटर, जैसे दिस के बाद स्पेस यूज किया गया है, इज के बाद स्पेस यूज किया गया है, माई के बाद स्पेस यूज किया गया है, कंप्यूटर, ठीक है। जो नीचे रिजल्ट आया हमारे पास, दिस इज माई कंप्यूटर। नेक्स्ट बटन इज कैप्स लॉक की। द कलर्ड की इज कैप्स लॉक की। इट इज यूज टू टैप कैपिटल लेटर्स। व्हेन द कैप्स लॉक की इज प्रेस्ड, अ लाइट ग्लो ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड, शोइंग दैट द कैप्स लॉक फंक्शन इज ऑन। कैप्स लॉक की जो गिवेन पिक्चर में हमारा कलर की है, ये क्या कहलाता है, कैप्स लॉक की। इसकी मदद से आप कैपिटल लेटर्स टाइप कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे, कंप्यूटर में। जैसे आप कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे तो आपके कीबोर्ड में एक लाइट ऑन हो जाए, लाइट ग्लो राइट हैंड साइड में आपके कीबोर्ड पे, ये बताएगा आपको कि कैप्स लॉक आपका क्या है, ऑन है। फिर से आप कैप्स लॉक ऑन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये लाइट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ये बताएगा आपको कैप्स लॉक ऑफ हो गया, ठीक है। कैप्स लॉक को ऑन हम लोग जनरली कैपिटल लेटर जब टाइप करना चाहते हैं तो ऑन करेंगे, जब ऑफ कर देंगे तो ये फिर से स्मॉल लेटर टाइप करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट कीज इज बैक स्पेस की एंड डिलीट कीज। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट कीज ऑफ अ कीबोर्ड, बैक स्पेस की एंड डिलीट की। समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स वाइल टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। टू इरेज आवर मिस्टेक्स वी यूज द बैक स्पेस एंड द डिलीट कीज। जैसे आप कंप्यूटर पे टाइप करना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ करते हैं, है ना। टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकता है, कुछ गलती आपने वर्ड मीनिंग टाइप कर दिया, तो आपको बैक स्पेस और डिलीट की का यूज हो। इस दोनों की मदद से आप उस मिस्टेक को रिमूव कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं उस एरर को, और करेक्ट वर्ड टाइप कर सकते हैं। बैक स्पेस की रिमूव्स लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस की से आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। जो करेंट कर्सर है आपका, उसके लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर्स है उसको आप इरेज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। नेक्स्ट इज डिलीट की। रिमूव्स लेटर्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर। डिलीट की मदद से आप लेटर को रिमूव कर सकते हैं, बट ये राइट साइड ऑफ द कर्सर, जो करंट आपका कर्सर है उसके राइट साइड के लेटर्स और कैरेक्टर्स को डिलीट करें, ठीक है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है कि आपको स्कूल टाइप करना है और मिस्टेक से एच के जगह के टाइप हो गया, तो आपको क्या करना है,
आपका कर्सर के पास ले जाना है और बैक स्पेस की प्रेस करना है, तो क्या हो जाएगा, के डिलीट हो जाएगा और फिर से आप एस टैप कर दीजिए तो स्कूल का करेक्ट स्पेलिंग होगी। यही वर्क अगर आप डिलीट की मदद से करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कर्सर को के लेफ्ट साइड में ले जाइए और डिलीट की प्रेस कर दीजिए तो क्या होगा कि ये डिलीट हो जाएगा और फिर से आप एस टैप कर दीजिए। नेक्स्ट की इज इंटर की, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कीज ऑफ आवर कीबोर्ड। द कलर्ड की इज द इंटर की, इट इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। जो हमारे पिक्चर में कलर किया हुआ की है ये इंटर की है, इसका यूज हम लोग कर्सर को मूव करने के लिए, नेक्स्ट लाइन में कर्सर को मूव करने के लिए यूज करते हैं, या आप कह सकते हैं लाइन को चेंज करने के लिए। जनरली इंटर की का यूज पैराग्राफ चेंज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हेयर गिवेन अ एग्जाम्पल, कर्सर इज द ब्लिंकिंग लाइन दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। कर्सर क्या है, कर्सर आपके स्क्रीन में जो एक लाइन होता है ब्लिंक करता हुआ, उसी लाइन को कर्सर कहते हैं जो आपके स्क्रीन में अपीयर होता है। ये बताता है आपका करेंट पोजीशन कि अभी आपका कर्सर किस लोकेशन है। जब भी आप कुछ टाइप करना चाहेंगे तो आपके कर्सर पोजीशन पे ही टाइप हो। हेयर गिवेन ऑल्सो एग्जाम्पल, टाइप द फॉलोइंग, इंडिया इज आवर कंट्री एंड वी प्रेस वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नेक्स्ट प्लेस द कर्सर बिफोर डब्ल्यू, इंडिया इज आवर कंट्री एंड वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो वी जो लिखा हुआ है डब्ल्यू ई, उसके पास आप कर्सर लाइए और क्या करना है आपको, प्रेस द इंटर की एंड सी द रिजल्ट, उसके बाद आपको इंटर की प्रेस कर देना तो क्या होगा, वी के बाद जो लेटर है या सेंटेंस है कंप्लीट, वो अगले लाइन में चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जो गिवन एग्जांपल में बताया गया, जो इंडिया इज आवर कंट्री वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एक ही लाइन में था, अब क्या हो गया दो लाइन में आ गया। तो ये बताता है आपको कि इंटर की से आप अपने वर्ड को टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में भेज सकते हैं, लाइन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट अस रिमाइंड, अ कीबोर्ड हैज मेनी कीज, कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं जिसको बटन कहते हैं। अल्फाबेट की आर यूज टू टाइप लेटर्स वर्ड्स एंड सेंटेंस, अल्फाबेट कीज का यूज होता है लेटर को टाइप करने के लिए, वर्ड को टाइप करने के लिए और सेंटेंस को टाइप करने। नेक्स्ट नंबर कीज आर यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर की का यूज होता है ये नंबर को टाइप करने के लिए। नेक्स्ट स्पेस की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, स्पेस बार की का यूज होता है दो वर्ड के बीच पे स्पेस देने के लिए, जगह छोड़ने के लिए। कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स, कैप्स लॉक की का यूज कैपिटल लेटर्स को टाइप करने के लिए, जो हमारा कैपिटल ए बी सी डी हम लिखते हैं उसके लिए कैप्स लॉक का ऑन करना होगा। बैक स्पेस एंड डिलीट की आर यूज टू इरेज आवर मिस्टेक्स, बैक स्पेस की और डिलीट की मदद से हम अपने मिस्टेक्स को गलतियों को मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। इंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, इंटर की का यूज होता है अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। थैंक यू।